आपके लिए एक अच्छी खबर है, अगर आप ये NDAs कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक AS नहीं पढ़ना होगा। जी हाँ, आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। सो आज जो हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको एक AS नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है AS 28। और हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे इंडेस 36। हो, एक पढ़ेंगे दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों? इसका नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको? अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा AS 28, जो कि हमारे सिलेबस में है, इसका भी नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। तो बोनस एक करने के बाद दूसरा नहीं करना पड़ेगा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ इज द जूस? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ओके। तो ये रही आपकी बेनिफिट, बोनस यू कैन से, ये रहा आपका एक बोनस जिसको आप लेना चाहते होंगे ऑफकोर्स, कि भाई एक पढ़ लेते हैं दूसरा नहीं पढ़ने का। ऑल दो देर आर सम डिफरेंसेज, वी विल टॉक अबाउट इट, अगर यहाँ पे इन दोनों में कोई डिफरेंसेस रहेगा तो। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अभी इंडेस 36, हमारा मेन फोकस रहेगा इंडेस 36। इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडेस 36 एंड AS 28, देन वी विल डिस्कस इट टू, ओके। तो अगर हम बात करें आपका इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट क्या होगा? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट तो भाई एसेट से रिलेटेड होगा कुछ। किससे रिलेटेड होगा? एसेट से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, मतलब एसेट का ही कुछ होगा। तो पहली बात हम ये करेंगे कि क्या क्या, किन किन एसेट पे एप्लीकेबल होगा, कहां कहां एप्लीकेबल होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की। इम्पेयरमेंट में भी आएंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसेट्स। इम्पेयर करेंगे एसेट को, लेकिन किस किस एसेट पे एप्लीकेबल है पहले वो बात करते हैं, ओके। जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके, कैपिटल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो जो भी कैपिटल नेचर के हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, रुकिए, इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल भी आएगा भाई साहब। एंड अंडर डेवलपमेंट इनटेंजिबल एसेट्स ऑल्सो, ओके। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्वेस्टमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा? ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट को भी आप इंपेयर कर सकते हो, मतलब रिड्यूस कर सकते हो, हाँ। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट अगर जब आपका होगा सब्सिडरी में, इन सब्सिडरी, एसोसिएट, फिर अगला तो आपको पता ही है JV, ज्वाइंट वेंचर, अगर इसमें है तो। और एक कंडीशन है, इफ सच इन्वेस्टमेंट इज एट कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट पे मेजर किए गए हैं, ना कि फेयर वैल्यू पे। अगर फेयर वैल्यू पे रहेंगे तो इम्पेयरमेंट का मतलब ही नहीं रहेगा। और अदर एसेट्स, अदर एसेट्स जिसपे, अदर एसेट जिसमें क्या होता है कि उनका पर्टिकुलर इंडेस डील नहीं करता इंपेयरमेंट से, ठीक है, ओके।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें गुडविल भी है और अंडर डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स में लगे हैं और वो कॉस्ट पे वैल्यूड है, और अदर एसेट जिसपे उनका पर्टिकुलर इंडेस इंपेयरमेंट की बात नहीं करता, तो वो इंपेयरमेंट की बात आप यहाँ से, मतलब वो इंपेयरमेंट इंडेस 36 डील करेगा। कोई इंडेस में अगर इंपेयरमेंट की बात नहीं होती है तो वो कहाँ डील होगा, 36 में डील होगा। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कैपिटल एडवांसेस, तो इस कहाँ डील होगा, इसका कोई इंडेक्स नहीं है, तो ये डील होगा इसमें, ये डील होगा सिर्फ प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही है, तो कहाँ मतलब उसका इंटेंजिबल होगा तो यहीं पर डील होगा। ठीक, बियरर प्लांट्स, तो इसका भी यहीं पर डील होगा। तो ऐसे ही कुछ एस, अब जैसे कि आप इन्वेंट्री की बात करो, ठीक है, तो इन्वेंट्री का इंडेस 2 डील करता है, तो उसका यहां पे डील नहीं होगा। अब जैसे हमने इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखा, तो इन्वेस्टमेंट जो इसके अलावा है, जो सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर के अलावा है, वो इंडेस 109 डील करता है, तो यहाँ पे वो डील नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट पॉइंट की मैं समझा रहा था कि अगर कोई इंडेस इंपेयरमेंट को डील नहीं करता तो यहाँ पे डील होगा। बट बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल WIP और इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। ओके, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट की बात कर ली हमने, एसेट कौन कौन से इसमें आएंगे। अब बात आती है इम्पेयरमेंट की, तो इम्पेयरमेंट को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें आप समझिए। सपोज करिए पीपी भाई साहब हैं, ठीक है, भाई साहब या बॉय और गर्ल, इट कैन बी एनी वन, ओके, मैं इसीलिए फेस नहीं बना रहा इसका। तो क्या हुआ, ये डेप्रिशिएट हो रहे थे, ठीक है, रीवैल्यू भी हो रहे थे। सपोज करिए इनका बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज एक्वायर्ड हुए थे 1 लाख के, लेकिन ओवर द यूजफुल लाइफ इनकी 10 ईयर है, तो 10 साल में ये रिड्यूस होंगी, जीरो हो जाएंगे विदाउट रेसिडुअल वैल्यू, आई एज्यूम। ओके, सपोज करिए आफ्टर 3 ईयर्स इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000, 30,000 विल बी रिडेप्शन। ओके, एंड ऑन द एंड ऑफ द 3rd ईयर देर इज वन रिवैल्यूएशन ऑल्सो, सो इनकी वैल्यू बन के हो गई 80,000, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एसेट क्या है, एसेट्स आर वॉट, एसेट्स वो होते हैं जिनसे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है और हमारा उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सपोज करिए मेरे को पता चला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे 90,000 रुपये हम कमा सकते हैं, और एक ये भी पता चला कि मैं इससे फ्यूचर में 70,000 ही कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे बुक वैल्यू में 80,000 आ रहा है, तो ये 90,000 और 70,000 ये हमारा क्या है, ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट है कि हम फ्यूचर में इसे रिकवर कर सकते हैं, इतना 90,000 एंड 70,000। ओके, तो 80,000 से 90,000 हुआ तो हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते, तो यहाँ पे तो अपने कुछ नहीं करेंगे, बढ़ रहा है अच्छी बात है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम हुआ, मतलब हमको लग रहा है कि इससे हम कम बेनिफिट पाएंगे और हमने अपने बुक में ज़्यादा दिखा के रखा है, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग 80 से इसको 70 पे ला देते हैं। ओके, एंड 10,000 विल बी वॉट इज योर इम्पेयरमेंट, समझ रहे हैं, क्लियर है। और इजली मैं बताता हूं, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का फॉर्मूला होता है कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट तो यही हुआ ना, कैरिंग अमाउंट मीन्स वॉट, आफ्टर डेप्शन
एंड रिवैल्यूएशन। रिकवरेबल अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं वैल्यू इन यूज, उसको बता देता हूं क्या फॉर्मूला होता है। हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, मतलब उसका हम कितना वैल्यू यूज में ला सकते हैं, और एक होता है फेयर वैल्यू लेस सी टी डी। सी टी डी क्या होता है? कॉस्ट टू डिस्पोजल। अब वैल्यू यूज एंटिटी स्पेसिफाई करता है कि कितना हम इससे, मैनेजमेंट बताएगा कि हम इससे कितना वैल्यू इन यूज कर सकते हैं, और फेयर वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू उसकी, ठीक है, ओके। और कोई कॉस्ट उसको डिस्पोज करने में लगा इन फ्यूचर में तो वो वैल्यू है। तो इन दोनों का हायर जो रहेगा उसको हम लोग रिकवरेबल अमाउंट, मतलब हम उससे कितना रिकवर कर पाएंगे। सी ए माइनस आर ए, मतलब हमारा बुक दिखा रहा है कि मेरा कैरिंग अमाउंट इतना है 70,000 से 80,000 ना, ऊपर 80,000 लिए थे तो 80,000, लेकिन मेरा रिकवरेबल अमाउंट दिखा रहा है 60,000 ही, तो 20,000 का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट द इम्पेयरमेंट इज। इन दोनों को डिफरेंस को ही इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो ऑल क्लियर, कहने का मतलब अगर थ्योरेटिकली अगर समझा जाए तो मेरे, मुझे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। मैं अपने बुक में 80,000 दिखा रहा हूँ तो इसका साफ साफ क्लियर मतलब ये है कि मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इस पर्टिकुलर एसेट से 80,000 मिलेगा। लेकिन जब एक्चुअल बेनिफिट देखी गई, रिकवरेबल अमाउंट इसका निकाला गया तो वो 70,000 ही आया। तो ये 70,000 आया तो कौन सा ट्रू एंड फेयर है? सो ट्रू एंड फेयर इज दिस अमाउंट 70,000, नॉट द कैरिंग अमाउंट। तो इसीलिए हम अपने बुक को ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए एसेट को अपना क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे और 10,000 उसको इम्पेयर कर देंगे, ठीक है। फिर बुक में 70,000 दिखाएं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बस इतना ही सिंपल है। जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट द इम्पेयरमेंट इज। क्लियर है? अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, वी फॉलो ऑलवेज अ कंजर्वेटिव अप्रोच। हम अपनी गेन को नहीं दिखाते बट अपनी लॉस को जरूर दिखाते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए। और जनरली अगर आप बात करें इंपेयरमेंट लॉस की, कैलकुलेशन कब होगी, हम कब देखेंगे कि मेरा एसेट इंपेयर हुआ या नहीं, या फिर जो मैं बुक में दिखाया हूँ उसे, जनरली एट द ईयर एंड होती है। मतलब जब ईयर एंड रहता है तभी हम लोग जनरली देखते हैं कि भाई इस समय क्या मेरे बुक में जो वैल्यू दिखा रही है इस एसेट की सही है। अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो हम इंपेयर करके उसको कम कर देंगे। और तो बेसिकली इट इज़ व्हाट, इट इज़ एडिशनल डेप्रिशिएशन। मतलब एडिशनली आपने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, या फिर एडवांस डेप्रिशिएशन भी इसको बोलते हैं। एडवांस में डेप्रिशिएट कर दिया, हमारे एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन आपको लगा कि भाई इसमें और डेप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, तो उसको आप एडवांस में डेप्रिशिएट कर दिया कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है, अब भी डेप्रिशिएट कर दो बुक में, जैसे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा हमारे बुक का। ओके, ये रही बात। अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। हमने क्या बात किया अभी तक, मैं कंक्लूड कर दूं। हम लोग बहुत ही सिंपल सा बात कर रहे थे अभी तक। दो वर्ड है हमारे पास, एक इंपेयरमेंट और एक एसेट। एसेट में हमने बात कर लिया कि पीपीई आएगा, इसमें इंटेंजिबल एसेट भी आएंगे इंक्लूडिंग गुडविल एंड अंडर डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट भी, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे और अदर एसेट जिस पे उनका पर्टिकुलर एसेट बात नहीं करता इंपेयरमेंट की। बेसिकली जो एसेट बात नहीं करता उसके फेयर वैल्यू पे लाने की, तो इंपेयरमेंट वो उनका काम कर देता है। इंपेयरमेंट मतलब रिडक्शन,
इन वैल्यू ऑफ एसेट, सिंपली अगर आप समझे तो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन टू इट्स, मतलब कहां तक, उसके रिकवरेबल अमाउंट तक, उसके रिकवरेबल अमाउंट तक उसके वैल्यू में रिडक्शन कर देना। और इन सिंपल लाइन अगर बोले तो उसके फेयर वैल्यू पे उसको ला देना, या फिर उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तक उसको ला देना। अभी लाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज सी ए माइनस आर ए, और इसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, सी ए तो हमें पता है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन की वैल्यू आएगी, ये जो हम डेप्रिशिएट करते हैं और रिवैल्यू करते हैं उसके बाद की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। लेकिन आर ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सी टी डी निकालना पड़ता है, और ये वैल्यू दिया रहेगा, एंटिटी स्पेसिफाई करेगी क्या है वैल्यू इन यूज, मतलब इसे कितना वैल्यू यूज करेंगे इसका, और फेयर वैल्यू जो भी मार्केट वैल्यू, और लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, उसको बेचने में अगर कोई खर्चा होता है तो, मतलब बेसिकली इट्स अ मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, एक एग्जाम्पल देके समझते हैं कि मेरा कैरिंग अमाउंट था कितना 80 और ये हमारा 70 वैल्यू न्यूज और ये 60 है, तो विच एवर इज हायर 70,000, तो सी ए माइनस आर ए कितना हो गया, 80 माइनस 70 10,000, एंड दिस इज व्हाट आवर इम्पेयरमेंट। क्लियर? ओके, नाउ अब बात करेंगे अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, आखिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। हमने बात कर लिया आखिर ये होता क्या है, हम इसको कैसे निकालते हैं, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब अकाउंट फॉल कैसे होगा, हम लोग कैसे बुक में दिखाएंगे, तो इसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट का जो लॉस है, हम लोग लॉस ही दिखाते हैं, गेन तो दिखाते नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी एडजस्टेड किसके साथ, बताइए, हम बताते हैं फिर आपको पता चलेगा कि किसके साथ। पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम लोग एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर सच एसेट जो रिवैल्यूड हुए हैं और उनका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, एंड हैविंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, बेसिकली आपका एक एसेट है जो कि रिवैल्यूड हुआ है, उसके बदले में हमारे पास 10,000 रुपया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, अगर वो इम्पेयर होता है तो वो 10,000 पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। ओके, और बैलेंस, और उसके बाद जो बचा, अगर नहीं है तो पूरा, अगर उसके बाद इसमें कुछ है तो उसके बाद जो बचा उसको हम लोग एज अ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन डायरेक्टली टू द पीएनएल। ऑल क्लियर? बेसिकली डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में डाल देंगे, लेकिन अगर आपके पास उसका पहले से रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग एडजस्ट कर देंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे पड़ा रहता है, आपको पता है जब आपकी एसेट की वैल्यू अप होती है तो आपके अकाउंट में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है। जब ये इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, हम लोग गेन तो बुक नहीं करते, जब इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे तो हमारी एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी, तो ये रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, अपर वैल्यू है, मतलब दिखा रहा है कि एसेट रिवैल्यूड होकर वैल्यू अप है, तो अगर वो वही वैल्यू रिड्यूस होती है तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल कि हम पहले इसको रिड्यूस करें और बाद में उसको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डाल दें, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए,
अब आपका क्वेरी एक ये होगा कि हम डेप्रिसिएशन फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख की वैल्यू थी, 3 साल बाद ये 70,000 हो गई, लेकिन इम्पेयरमेंट के चलते यहाँ पे ये वो जाके 60 हो गई। तो क्या अभी भी यूजफुल लाइफ मेरा वही रहेगा 10 साल? तो हम जब यहाँ पे डेप्रिशिएट करेंगे तो रिमेनिंग 7 ईयर के लिए, तो मेरा 10,000 तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन दोनों रीकैलकुलेट करना पड़ेगा और रीअसेस करके आपको अपनी यूजफुल लाइफ फिर से सोचनी पड़ेगी। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, आपकी 1 लाख की वैल्यू है, 10,000 से डेप्रिशिएट हो रही थी, अगर 10,000 से उसको डेप्रिशिएट होना तो यहाँ तक तो उसको 1 लाख की वैल्यू रहेगी, तब तो 10 होके पूरा 10 साल में डेप्रिशिएट होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो इम्पेयर हो गई, मतलब वो उसका उतना मार्केट में डिमांड नहीं रहा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी कम हो गई, 60,000 हो गया। दिस इज वॉट द ब्यूटी ऑफ द इंडियंस, ये पूरी तरीके से एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 60,000 हो गया। तो 60,000 जब हो गया तो अब यहाँ से हम 7 ईयर कंटिन्यू नहीं कर सकते, 3 साल इधर हो गया। अगर यहाँ पे 7 ईयर कंटिन्यू करेंगे तो 70,000 हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, जबकि हमारे बुक वैल्यू में 60,000। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के करते कि 10 10 10 10 10 10 10 करके ही डेप्रिशिएट होगा। अब यहाँ पे हमें रीअसेस करना होगा, हम शायद यूजफुल लाइफ 7 से 6 घटा दें कि भाई 6 साल तक रहेगा और 10 10 हज़ार करके डेप्रिशिएट करें, या फिर कुछ और भी 5 साल भी कर सकते हैं, 8 साल 10 साल भी कर सकते हैं। तो आपको रीअसेस करना पड़ेगा और रिकैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ओके, और फ्यूचर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। इफ एनी रेसिड्यूअल वैल्यू, लेस रेसिड्यूअल वैल्यू, और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। वही बात मैंने बोली ऊपर, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो फ्यूचर डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा कि आपकी जो बुक वैल्यू आई है आफ्टर इम्पेयरमेंट, उससे रेसिड्यूअल वैल्यू माइनस कर देंगे इफ एनी, और उसके डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्लियर है? वही हमने पहले भी बोला था, और ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा लगेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डेफर्ड टैक्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इम्पेयरमेंट लॉस की। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे सो डेफर्ड टैक्स शुड बी कैलकुलेटेड। शुड बी कैलकुलेटेड। अभी क्या है इसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको बहुत बार समझ में भी नहीं आया होगा, बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डेफर टैक्स को आपको एकदम इजीली समझा दिया जाए। तो आप रेडी हैं? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। ये अराइज क्यों होता है? पहला तो बात यही है, देखिए हम लोग दो टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर बुक और डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स। ठीक है, तो हम अपने बुक में अपना इंड एज एज लगा के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं,
लेकिन आईटी रूल में अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। अगर आपको याद हो ऑफिस में आप एक स्टेट ये नोट्स बनाते हैं, जिसमें लिखा रहता है ओपनिंग बैलेंस, एडिशन डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू लास्ट। ये अपना एक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो ये वाली सीट हम लोग नोट्स बनाते हैं अपने बुक में। अब सपोज करिए हमारे बुक में हम लोग बात कर रहे हैं डिफर्ड टैक्स की, वो सिचुएशन कब आती है। डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, देयर कैन बी टू थिंग्स, उसके ऊपर बात करें। लेकिन सपोज करिए हमारी यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स, उसके हिसाब से हम एसएलएम बेसिस पे ही अपने बनाते थे और नेट बुक वैल्यू लाते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इम्पेयरमेंट जब हो गया एसेट, तो उसकी वैल्यू 1 लाख से घट के 70,000 हो गई। लेकिन जो आपका ये नोट्स जो बना है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका जो डेप्रिसिएशन आता रहेगा वो 10,000 करके ही आपके बुक में आता रहेगा। मतलब ये एज पर आईटी इतना ही डेप्रिसिएशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन जब इम्पेयर्ड हो गया तो आपकी जो एसेट की जो डेप्रिसिएशन है दैट मे इंक्रीज और डिक्रीज, इजंट इट। आप समझो कितना, थोड़ा सोचिए कि जो हम लोग बुक को एज पर आईटी कैलकुलेट करते हैं तो वो तो बोल दिया कि भाई आपको 10 ईयर यूजफुल लाइफ, वो तो स्पेसिफाई कर देता था ना कि बिल्डिंग का 5 साल होगा, इनका 10 साल होगा, इनका 25 साल होगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट है 15 साल होगा, तो वो तो यूजफुल लाइफ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई मेरे हिसाब से इतना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी। लेकिन जो आप इन डेज फॉलो कर रहे हो सपोज करिए, या ईयर्स भी फॉलो कर रहे हो, आपको इम्पेयरमेंट चेक करना पड़ेगा। जब इम्पेयरमेंट चेक करेंगे तो आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, सपोज करिए इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, तो अब ये वैल्यू 70,000 की जगह मान लीजिए 50,000 हो गई, और इसका यूजफुल लाइफ घटा के, तो यहाँ से 7 ईयर रिमेनिंग था, मान लीजिए हमने घटा के इसको 2 साल कर दिया, तो इसके हिसाब से तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ गया, जबकि इसके हिसाब से 10,000 आ रहा था। तो ये जो डिफरेंस है उसके वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो क्यों आता है, देखिए एसेट क्या है, एसेट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, ठीक है, इतना बस याद रखिए अभी, और प्लस कंट्रोल भी आपका उसके ऊपर रहता है। तो आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपका एसेट आपको बेनिफिट कितना दे रहा है, सपोज करिए ये 1 लाख का एसेट है, आपने 10 साल पे डेप्रिसिएट किया 3 साल के लिए, तो 30,000, तो डेप्रिसिएशन होके आपका बुक में 70,000 का दे रहा अगर जनरली रहेगा। लेकिन ये इम्पेयर्ड हो गया, ठीक है, अब इम्पेयर्ड होके ये सपोज करिए 50,000 हो गया, कितना हो गया 50,000, और जो आपका आईटी के हिसाब से रहेगा, आईटी का जो एसेट रहेगा वो तो इसी रूट को फॉलो करेगा और वो 70,000 ही रहेगा, मतलब उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आपको यहां से फ्यूचर इनकम कितना मिलने वाला है, 50,000, जबकि आईटी के हिसाब से आपको कितना फ्यूचर इनकम मिलने वाला है, 70,000। आप समझ रहे हो फ्यूचर इनकम में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एसेट का मतलब है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एज पर योर बुक्स ये 50,000 है,
जबकि एज पर आईटीए 70,000 है, ठीक है। तो आईटी के हिसाब से आपको 20,000 एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, इजंट इट? 20,000 का फ्यूचर इनकम जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है आईटी के हिसाब से, क्योंकि आईटी आपको बोला है ना, आप 70,000 बुक में दिखाइए। अब ये जब ज्यादा मिल रहा है तो फ्यूचर के टैक्स की लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? प्रैक्टिकल होके सोचिए। से आपकी लाइबिलिटी एट द रेट 30% मैं लगा देता हूँ, तो 30% से कैलकुलेट करेंगे, 20,000 इंटू 30% कितना होगा? 6,000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 6,000 आपकी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। ओ, समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना तो पड़ेगा ही बॉस। आपका एसेट सपोज करिए 10 लाख है, आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया और जैसे एज यूजुअल इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल थी, ठीक है, मान लेते हैं 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ है। तो आफ्टर 4 ईयर ये अगर डेप्रिशिएट, आफ्टर 5 ईयर मान लीजिए डेप्रिशिएट होकर इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख। ये क्या हो गया? एज पर आईटी, ये एज पर आईटी है, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से, आपके बैलेंस शीट के हिसाब से क्या हो गया आपके एसेट का वैल्यू? आपने इंपेयर कर दी, से मान लीजिए 5 साल के एंड पे, 5 ईयर एंड पे ये आपका एसेट इंपेयर्ड हो गया, 3 लाख का ही बस बचा। तो यहां पे ये 3 लाख का मतलब क्या और 5 लाख का मतलब क्या है? ये आपको फ्यूचर बेनिफिट बोल रहा है, इस एसेट से आपको मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट, इस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट। अब इन दोनों फ्यूचर बेनिफिट में डिफरेंस है। एज पर आईटी आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एज पर आईटी बोल रहा है कि मैं 2 लाख रुपए आपको फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इस फ्यूचर बेनिफिट पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स जो भी रेट हो, सपोज करिए यहाँ पे 30% हमने लिया था पहले भी, तो 60,000 आपकी इनकम की लाइबिलिटी आ जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और देखते हैं, सपोज करिए ये आगे बढ़ा, ठीक है, 3 लाख और 5 लाख आगे बढ़ा, ठीक है। अब ये 3 लाख आने वाले, अब समझ लीजिए 7th ईयर में रिवैल्यूड होके 7 लाख हो गया, मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और आपका जो वैल्यू था ये एज पर बुक्स और एज पर आईटी, ठीक है। अभी एज पर आईटी सपोज करिए ये आपका कितना रह गया 7 साल बाद? 7 लाख, ये 3 लाख ही बस बचा। तो यहां पे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, लेकिन आईटी के हिसाब से कम मिल रहा है, तो कम मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डिफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप लगा दीजिए 30%, तो 1,20,000 आ जाएगा। और ये 1,20,000 आपके डीटीएल से सेट ऑफ हो जाएगा जो कि 60,000 था, तो नेट डीटी आएगा डिफर्ड टैक्स एसेट 60,000। समझ रहे हैं? कोइंसिडेंसली ये 60-60 आ गया। कहने का मतलब ये एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहां पे क्या हो रहा था? कम मिल रहा था एज पर आईटी, ठीक है। तो आपको टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बन रही थी, आपको लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपको एसेट मिल रहा था यहां पे, जबकि ऊपर डिफर टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी। ऑल क्लियर? अगर इसको समराइज किया जाए, डीटीए कब होगा और डीटीएल कब होगा? अगर डेप्रिसिएशन, अगर सिंपली लिखा जाए तो अगर डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ज्यादा होगा, अगर बुक के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो आपकी बुक वैल्यू कम होगी। मतलब अगर आपका डेप्रिसिएशन बुक के हिसाब से ज्यादा है तो आपको डेफर टैक्स एसेट आएगा,
डिफर टैक्स लाइबिलिटी जब आपका डेप्रिसिएशन आईटी के हिसाब से जाता है, यहां पे क्या होगा एज पर आईटी डेप्रिसिएशन जाता है, ठीक है। अगर इसको समझा जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें फ्यूचर में क्या दे रहा है, गवर्नमेंट हमें फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, मतलब हमें डेप्रिसिएशन का ज्यादा बेनिफिट दे रहा है गवर्नमेंट। बेनिफिट किसका दे रहा है, डेप्रिसिएशन अगर एज पर आईटी ज्यादा है तो डीटीएल आएगा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जब ये डेप्रिसिएशन का ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा तो हमारी फ्यूचर में एक लायबिलिटी आ सकती है टैक्स की, तो उसको हम बोलते हैं डेफर टैक्स लायबिलिटी। वही अब डीटीए का कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे ही अगर समझा जाए, समरी मैं बना रहा हूं, अगर डीटीए का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट हमें कम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे रहा है तो हमें ज्यादा टैक्स दे रहे, गवर्नमेंट हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कम दे रहा, मतलब एज पर बुक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा, इट मींस कि एज पर आईटी कम होगा, तो गवर्नमेंट हमें डेप्रिसिएशन का कम बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो कम जब बेनिफिट दे रहा है तो हम क्या दे रहे हैं, टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट दैट विल बी आवर एसेट, मतलब हमारे लिए वो एसेट होगा कि हम उनको ज्यादा टैक्स दे, बाद में हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। तो समरी यही है कि डीटीए मतलब जब हम डेप्रिसिएशन एज पर बुक हमारा ज्यादा हो और गवर्नमेंट हमें कम डेप्रिसिएशन दे, ठीक है। डीटीएल का मतलब जब हम डेप्रिसिएशन एज पर आईटी ज्यादा हो, जब हमें गवर्नमेंट ज्यादा डेप्रिसिएशन दे। आई रिपीट, डीटीए और डीटीएल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है अगर आप समझे तो। डीटीए मतलब ये चीज जो हम बुक में ज्यादा डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन हम बुक के हिसाब से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और आईटी के रूल के हिसाब से हमें कम डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इट मींस कि हम ज्यादा, मतलब हमें आईटी कम बेनिफिट दे रहा है, मतलब एक्सपेंस हमारा टैक्स ज्यादा कट रहा है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, जब हमारे बुक एज पर आईटी, आईटी अलाउड डिसअलाउड कर देता है ना डेप्रिसिएशन, तो आईटी के हिसाब से हमें कम डेप्रिसिएशन मिला, मतलब हम कम खर्चा दिखा रहे, इट मीन्स हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। जब ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो उसको हम लोग एसेट की तरह दिखाते हैं। भाई लाइबिलिटी के केस में क्या हो गया कि आईटी के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन ज्यादा मिल रहा है, मतलब आईटी के हिसाब से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज्यादा इनकम हो रहा है हमें, तो जब ज्यादा इनकम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी की तरह दिखाएंगे, दैट इज डिफर टैक्स लाइबिलिटी। सो डीटीए और डीटीएल ज्यादा ज्यादा दोनों केस में डीटीए और डीटीएल, डीटीए मतलब एज पर बुक्स, एज पर और एज पर आईटी, ये एज पर बुक जब ज्यादा हो तब और ये एज पर आईटी ज्यादा हो तब, क्लियर, ओके। तो ये रहा कॉन्सेप्ट अभी तक के लिए, और वीडियो हो गई है ज्यादातर 30-40 मिनट्स की तो हो ही गई होगी, देख लेते हैं 40 मिनट्स तो वो 40 नहीं कट पिट के आएगा, तो ये जो भी आएगा। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसको पूरा करेंगे अपने। बस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डीटीए और डीटीएल में अगर और भी कोई डाउट हो तो बस एक सिंपल सा आप थंब रूल बना लीजिए कि डीटीए मतलब क्या जब एज पर बुक्स ज़्यादा हो, डीटीएल मतलब क्या जब एज पर आईटी ज़्यादा हो, ओके। सो शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, हाँ चलिए शुक्रिया।